आज मैं बनाऊंगी मसाला भरे करेले। मसाला भरे करेलों के लिए चाहिए करेले, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, अनारदाना, मेथी दाना, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, नींबू, इमली का रस और घी। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आंच लाऊंगी। मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दी है। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूंगी। इसमें घी ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल कम डालना, बल्कि ना होने के बराबर डालना। बहुत ही खट्टा मीठा मसाला बनेगा। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालूंगा। हाफ टी स्पून अनारदाना, हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं ना इमली का रस शामिल करूँगी। ये बहुत ही खट्टे मीठे बनते हैं। सारा मसाला ही ऐसा होता है, बड़े ही मज़ेदार बने। मैं इसमें घी नहीं शामिल किया, सिर्फ 1 छोटा चम्मच ना टी स्पून मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा से ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं डाला। मैं इसका नमक टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत मज़े का है, खट्टा मीठा है। बस ये तैयार हो गया। अब इसमें करेलों में डाल के ना ऊपर से डाल देते हैं। 1 चम्मच भर के ना इस करेलों के अंदर ऐसे डाल दिए, सारा फैला के ना ऐसे उनको ना ऐसे करके ना ऐसे अच्छे से बांध। ये देखें, इसके अंदर मैंने ऐसे इसको अंदर और इसको बाहर। लोगों ना उबाल लिया, उबाल के अच्छे से धो लिया। देखो कितने साफ है। एक उबाला बस दिलाया और साफ हो गया। अब इसके बाद मैंने ना इसको निचोड़ के साफ करके इसके अंदर ना मैंने ऐसे मसाला भर दिया। मैं इसके ऊपर धागा लपेटूंगी, सारा आपके सामने बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके ना इसके अंदर से ऐसे ना ऐसे फिर इसको ऐसे जोर से ना ऐसे तोड़ देना। तो अब मैं ना दूसरा लपेट नहीं। आप इशा कैसे करें, थोड़ा सा धागा इधर से छोड़ दें ऐसे और इसको ना सेंटर से शुरू करना इस ऐसे जोर जोर से। ये जो धागा होगा ना इसके पास आहर में इसको बांध लेंगे। अब ये देखें ऐसे सेंटर से शुरू कर दे या शुरू से कर, वो आपकी मर्जी है।
ऐसे करके ना इसके अंदर से ऐसे निकाल के इसको ऐसे जोर से ना ऐसे बांध। अब ये सारे करेले मैंने इनको बता गल पेट लिए, ये देखो कितने प्यारे बने हैं और कितने मैंने कस कस के बनाए हैं। इसको बड़ी प्यार से हम ना फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर हल्दी डालेंगे और खट्टे मीठे बड़े अच्छे जा मज़ेदार करेले बनेंगे। अब मैं इसमें आधा कप ऑयल डालूंगी। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो और भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए डाल दूंगी। अब इसको चेक करते हैं। मैंने इसकी साइड पर देखा मैं इसको दोबारा डाल दूंगी। वापस से आना थोड़े के नरम हो जाएंगे। मजे के बने थे इंशाल्लाह, खट्टे मीठे हैं। ये देखिए अब ये फ्राई होने शुरू हो गए हैं और मैंने इतनी प्यार से धागा बांधा है, इतनी प्यार से कि देखें कहीं से खुला नहीं है। इसी तरह जितना जोर से आप धागा बांधेंगे उतना ये खुलेगा नहीं और फिर अच्छे बनेंगे, वरना ना सारा मसाला बाहर निकल आता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर डाल देते हैं। मैं आपको इसका एक दफा और तरीका बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले करेलों को धोया है, फिर उबाला है। उबालने के बाद मैंने इसमें मसाला तैयार किया। मसाला तैयार करने के बाद आपके सामने मैंने इसमें डाला है। डालने के बाद मैंने इसको पका कर बेटा, फिर मैंने घी डाल के ना फ्राई करने को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने आपको क्या करना है, इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है और जोर से ऐसे दबाना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसको हम पूरा चावल भी डालेंगे, हल्की सी बात करते हैं, हल्की जल्दी डालेंगे और इसके ऊपर मैं एक अदर मोटे मोटे कटे हुए प्याज और टमाटर ऐसे काटे हैं। कितने प्यारे के बने हैं, आप बनाएं। अब ये तैयार हो गए। अब मैं इसको इनको उतारूंगी, उतार के मैं इसको प्लेट में डालूंगी। मसाला भरे करेले तैयार हो गए हैं। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।